हेलो फ्रेंड्स, आज के दिन HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं। आप यहां देख रहे हो, आज के दिन HDFC लाइफ का शेयर 4% गिरावट के साथ 696 रुपीस के लेवल पे क्लोजिंग होता हुआ नज़र आ रहा है। आपने देखा होगा आज की डेट में ओपन एंड हाई 730 का दिखने को मिल रहा है। बेसिकली ये पर्टिकुलर शेयर्स के अंदर पहले से ही ये न्यूज़ काफ़ी लोगों को, यानी इनसाइडर जो भी लोग है उसको पता था कि ये पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर एक दो दिन में बड़ी न्यूज़ आने वाली है, जो कि आज हमारे सामने आ चुकी है। आज की डेट में 1,40,000 करोड़ का मार्केट कैप है और यहाँ आप देख सकते हो स्टैंडर्ड लाइफ टू सेल HDFC लाइफ शेयर वर्थ $621 मिलियन इन ब्लॉक डील। सो कल के दिन HDFC लाइफ के अंदर एक बड़ी डील होने जा रही है, जिसको हम ब्लॉक डील बोलते हैं। सो स्टैंडर्ड लाइफ द को प्रमोटर ऑफ HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग 3.46% स्टेक इन द कंपनी। सो अराउंड 4,600 करोड़ की ये पर्टिकुलर ब्लॉक डील कल के दिन स्टैंडर्ड लाइफ के द्वारा अनाउंस की गई है और आज की डेट में 8.88% स्टेक स्टैंडर्ड लाइफ HDFC लाइफ के अंदर होल्ड करती है। उनमें से ऑलमोस्ट 3.46% स्टेक कल के दिन अराउंड 5.5% डिस्काउंट से लेके 2.6% डिस्काउंट पे डील होने का पूरा चांस बन रहा है। सो बेसिकली कल के दिन जो शेयर्स की डील होने जा रही है वो है 658 से लेके 678 के बीच, और आज का क्लोजिंग आप देख सकते हो 696 का है। सो बेसिकली 3% से लेके 5% तक ये पर्टिकुलर डील कल के दिन हमारे सामने होने वाली है और ऑलमोस्ट 4,600 करोड़ की ये पर्टिकुलर डील है। सो बेसिकली यहाँ आप देख सकते हो मनी कंट्रोल के द्वारा भी ये पर्टिकुलर अनाउंसमेंट 7 करोड़ शेयर्स HDFC लाइफ के June 29 यानी कल के दिन सेलिंग होने वाले हैं। हाँ, आप देख सकते हो कि आज के पर्टिकुलर डे के अंदर ये पर्टिकुलर शेयर्स ने इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग मार्केट होने के बावजूद ये पर्टिकुलर शेयर एक लोअर लेवल पे ही ट्रेड होता हुआ नजर पूरे दिन आ रहा। जब हम चार्ट की बात करें तो एक बड़ी गिरावट के साथ एक अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ क्लोजिंग दिखने को मिल रहा है। सो काफ़ी सारी पर्टिकुलर HDFC लाइफ के बारे में हम बात करें तो एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बट एज फार एज द स्टैंडर्ड लाइफ इज कंसर्न उसको मतलब ये पर्टिकुलर स्टेक सेल करना ही करना है। सो आने वाले टाइम में यानी ऑलमोस्ट एक साल के अंदर अंदर उसको पर्टिकुलर ये कंपनी से उसकी एग्जिट मिल जाएगी। और यहाँ आप देख सकते हो 532 का लो है, 746 का हाई है। सो बेसिकली एक नेरो रेंज में पर्टिकुलर शेयर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर शेयर्स पूरे एक छोटे दायरे के अंदर ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। सो बेसिकली हमको ये पर्टिकुलर शेयर्स के अंदर हमारी जो लॉन्ग पोजिशन बिल्ड करनी है तो हम 730 के ऊपर के लेवल पे बिल्ड कर सकते हैं और ये पर्टिकुलर शेयर्स के अंदर 30 से लेके 40% तक की मूवमेंट बेसिकली एक वॉल्यूम के साथ ही क्रॉस ओवर हो जाता है तो देखने को मिल सकती है। बट आप लॉन्ग टर्म जेन्यून इन्वेस्टर हो और आपकी अवधि 3 से लेके 5 साल की है तो कल के दिन आपके लिए ये पर्टिकुलर शेयर्स बाय करने का मौका बन सकता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर शेयर्स में आप देख सकते हो मार्च 2020 का जो भी फॉल आया था उस पर भी आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 3,532 का ही यहाँ आप लो देख रहे हो। सो बेसिकली ये पर्टिकुलर शेयर एक लो बीटा शेयर हम मान सकते हैं और आने वाले टाइम के अंदर ये पर्टिकुलर शेयर्स में यानी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के लिए आफ्टर द कोविड टाइम एक टर्न अराउंड टाइम हम बोल सकते हैं। काफ़ी लोगों को आज की डेट में अवेयरनेस हो चुकी है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, तो काफ़ी सारे इंश्योरेंस का भी आज की डेट में प्रीमियम इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। सो बेसिकली ये पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी का मार्जिन भी एक तरह मतलब वाइड होने का पूरा चांसेस बन रहा है। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में लॉन्ग टर्म जो भी इन्वेस्टर है उसके लिए कल के दिन ये ब्लॉक डील के जरिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी, उसको बेसिकली ये शेयर 7-8% डाउन फ्लोर पे परचेस करने को मिलेगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर 4% की आज की जो गिरावट है वो इंटेंशनली गिरावट हम बोल सकते हैं। काफ़ी लोगों को यानी इनसाइडर लोगों जो भी होते हैं उसको पहले से ये पता है, इसीलिए वो लोगों ने ऑलरेडी एग्जिट ये पर्टिकुलर शेयर्स में किया होगा। सो कल के दिन हमारे पास HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में निवेश करने का एक अच्छा मौका हम मान सकते हैं और ये पर्टिकुलर शेयर्स में आगे जाके एक अच्छी ग्रोथ
और मार्केट शेयर देखने को मिल सकता है। बस इसी के साथ हम आज की ये वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।